हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज पीसी गेमर। तो आज लोग बताने वाला हीरो ब्रायन और बेंटन के बीच में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, चलो शुरू कर लेते हैं बेंटन से। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, बेंटन के पास बहुत ही सारे एलियन हैं और वो कंट्रोल करता है सारे एलियंस को अपने जो चेस्ट में लगे हुए वॉच से, और जो बेंटन का वॉच है। और उसके सबसे ताकतवर एलियन में सबसे ताकतवर एलियन है एलियन एक्स। एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उसको किसी को मनाना पड़ता है। जिन लोग को मनाना पड़ता है वो ये है, और ये लोग को बहुत मनाना मुश्किल है। इसको बेंटेन जाके खुद इन लोग को मनाता है, और जब ये लोग को मना रहा होता है अर्थ में, ये बेंटेन एग्जिस्ट करता है एलियन एक्स के रूप में। अगर बाई चांस बेंटेन मना लिया वो लोग को तो हीरोइन का भरता बनता है कि नहीं, मैं आगे बताता हूँ। तब तक एलियन एक्स की कुछ अटैक्स देख लीजिए। एलियन एक्स कोई जगह को हाथ दिखा के वहाँ पर टाइम आगे पीछे भी कर सकता है। स्पेस में ट्रेवल कर सकता है बहुत ही स्पीड से, वो अपने आप को बहुत सारे में कन्वर्ट कर सकता है। तो गाइस, जब हम लोग आ जाते हैं हीरो ब्रेन के ऊपर, हीरो ब्रेन नॉर्मली नहीं करता है अटैक, करता है तो क्या होता है आप लोग देखिएगा। और हीरो ब्रेन अटैक करने से पहले क्या करता है वो देखिए आप लोग। बात तो ये है, सारी आपकी मतलब कहीं कहीं जगह में आपकी ट्री की पूरी लीव्स गायब हो जाएगी, ये सबूत होता है मैं आपके वर्ल्ड में हीरो ब्रेन है। ये आपकी केव में रेड स्टोन की टॉर्च लगनी शुरू हो जाएगी, और भी बहुत से थिंग्स है। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करने जाता, अब हीरो ब्रेन के अटैक्स में बता देता हूँ। हीरो ब्रेन जल्दी अटैक्स नहीं करता है, इसलिए उसकी मेरे पास क्लिप्स नहीं है, लेकिन वो उसकी अटैक्स के बारे में मैं बता देता हूँ। वो एक कंप्यूटराइज है, तो वो इंसानी की तरह जैसे कि हम लोग खेलते हैं वैसा ही मारेगा, और वो जितना भी कोशिश कर ले ज़्यादा स्पीड नहीं मार पाएगा। जिसके माइनक्राफ्ट जितना चीज़ अवेलेबल है उसी से उसको मार पाएगा, जितना भी शॉट्स है उसी से मार पाएगा, तो वो एलियन एक्स को नहीं हरा पाएगा। तो इस वीडियो का विजेता है एलियन एक्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लाइक भी कर देना, और क्या क्या चाहिए कमेंट में कर देना।